बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको इंफॉर्मेशन पे कुछ अपडेट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूसिडिन 2mg टैबलेट्स के ऊपर। तो इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम म्यूसिडिन की पैकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। ये मेरे बात में आपको कभी नजर आई होगी, ये है म्यूसिडिन 2mg टैबलेट्स। मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ ये इसकी जो है पैकिंग होती है म्यूसिडिन 2mg टैबलेट्स की। ये इसकी पैकिंग है, और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इसका पत्ता होता है, ये इसका लीफ या स्टेट या जो भी आप इसे कहते हैं, ये इसका जो है पत्ता होता है। अब ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सिर्फ 10 टैबलेट की ही पैकिंग होती है, और ये जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे आसानी जो है मिल जाएगी। तो ये इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले पे कि इस टैबलेट का जो है फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है ट्राइजेनेडी। मैं फिर से आपके लिए एक और बात दोहरा देता हूँ, ट्राइजेनेडी इसका फार्मूला है जो कि इस मेडिसिन जो है यूज हो रहा है। और अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी मार्टिन डो। मैं फिर से आपके लिए और बार दोहरा देता हूँ, मार्टिन डो जो है ये कंपनी है जो कि ये मेडिसिन जो है बना रही है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले इस कंपनी का नाम वो मर्क था, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल वजूहत की वजह से जो है कंपनी को अपना नाम जो है चेंज करना पड़ा, और अब इसका नाम है मार्टिन डो। तो ये इसकी कंपनी होगी, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है, बहुत ही इफेक्टिव किस्म की मेडिसिन ये बनाती है, पूरी दुनिया में जो है ये मेडिसिन जो है सप्लाई करती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स। तो इसके बेनिफिट्स ये है कि ये मेडिसिन जो है हर किस्म के पेन के लिए जो है यूज हो जाती है। किसी भी किस्म का पेन हो आपको, उसके लिए जो है ये मेडिसिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब पेन जो है कई किस्म का हो सकता है, जैसे कि आपको अगर पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी जो है ये मेडिसिन बहुत ज्यादा मौसर है, आप इसे जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आपको हड्डियों का मसला हो रहा है, हड्डियों में आपके दर्द है, तो उसके लिए भी जो है ये मेडिसिन बहुत ज्यादा मौसर है, बहुत काम आती है, और बहुत ज्यादा डॉक्टर जो है इसे रिकमेंड करते हैं। उसके बाद आपको अगर कोई मसल्स का मसला है, जिस तरह के आमतौर पे ये मसला जो है स्पोर्ट्स मैन जो है ज्यादा होता है, उनका कोई मसल पुल हो जाता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ये यूज की जाती है। लेकिन मैं फिर आपसे वही चीज कहूंगा जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने बिना वजह इन टैबलेट्स को यूज नहीं करना। डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये टैबलेट्स आपने यूज करनी है, तो
फिर भी टेबलेट को यूज कीजिएगा बड़े मेहरबानी, बिना वजह जो है ये मेडिसिन आप यूज ना करें। तो ये थी इसके बेनिफिट से। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस पर कि इसके यूजेस जो हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके यूजेस ये हैं कि ये टैबलेट जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो है यूज कर सकते हैं, उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज का बंदा जो है इसे यूज कर सकता है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ पाबंदियां हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बस ये है कि आपने जो है इस मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज नहीं करना है कि इसके साइड इफेक्ट हैं बहुत सीरियस हैं। तो इसलिए पहले डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि इन टैबलेट आपको लेनी चाहिए तो फिर भी आपने जो है इन टैबलेट को यूज करना। तो ये जिसके यूजेस से अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस पर। तो इसकी डोजेस जो है वो ये है कि आप जो है दिन में इसे 3 टाइम के हिसाब से यूज कर सकते हैं, या फिर आप उस वक्त इसे यूज करें जब आपको पेन हो रही। और ये आपने ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को खाना खाने के बाद भी यूज करना है, खाना खाने से पहले इसे बिल्कुल भी यूज न करें क्योंकि आपको इसके साइड इफेक्ट असर कर सकती हैं। इसलिए कोई भी आप डोज लें तो पहले आप कुछ खा लें, कुछ भी अगर आपसे नहीं खाया जा रहा है कुछ भी तो आप बिस्कुट वगैरह या मिल्को वगैरह इस तरह की चीजें लेंगे, उसके बाद आपने जो है इन टैबलेट्स को यूज करना है। और ये भी याद रखें कि हर डोज के दरमियान आपने 5 घंटे का वक्फा जो है वो लाजमी तौर पर रखना है। 5 घंटे के वक्फे से जो है आपने यूज करना है। 3 टाइम के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं या 2 टाइम के हिसाब से आप इसे यूज करें। और अगर कोई ज्यादा मसला है तो आप फिर डॉक्टर से जो है रब्ता करें ताकि कोई और मेडिसिन आपको लेके दी जा सके और आपकी जो है ये
कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए और हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे. तो इसके साइड इफेक्ट जो है वैसे तो इतने देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके साइड इफेक्ट जो है मौजूद है और वो कई लोगों पे असर भी दिखाते हैं. इसलिए पहले डॉक्टर से मशवरा करें. अगर कोई भी आपको पेट वगैरह का मसला है, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो फिर भी आप इन टैबलेट्स को यूज करें. अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ. इसके साइड इफेक्ट्स में जो बहुत ज्यादा कॉमन चीज देखने में आती है वो ये है कि इन टैबलेट्स को यूज करने के बाद कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है. आपको ऐसे वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला हो सकता है. तो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला आ रहा है तो फिर आपने इन टैबलेट्स को नहीं करना. उसके बाद आपको सर दर्द का जो है वो मसला देखने आ सकता है. आपको हल्का हल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है. तो ये भी इसके साइड इफेक्ट्स में शामिल है. उसके बाद आपका मुंह और गला खुश रह सकता है अगर आप इन टैबलेट्स को यूज कर रहे हैं. तो ऐसी हालत में आपको चाहिए कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज करें ताकि आपका ये मसला जो है हल हो जाए. उसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. तो ये भी इससे साइड इफेक्ट्स में शामिल है. उसके बाद इस फार्मूले में थोड़ी सी नींद होती है, थोड़ा सा नशा होता है, तो आपको इसे चक्कर आ सकते हैं. तो ये भी इससे साइड इफेक्ट्स में शामिल है. उसके बाद आपको इस टेबलेट की वजह से जो है वीकनेस का मसला भी पेश आ सकता है. तो ये भी आपने दिमाग में रखना है कि इससे थोड़ी सी वीकनेस होगी. इससे साइड इफेक्ट्स में शामिल है. उसके बाद हमारे कुछ ऐसे ही शहजादे लोग हैं जो कि मेडिसिन को मेडिसिन की तरह यूज नहीं करते, बल्कि उसे जो है खाने की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसे एक आदत बना लेते हैं. महीनों तक जो है टेबलेट्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, 2 महीने तक 3 महीने तक 4 महीने तक. तो आपने ये गलती जो है नहीं करनी. उस हालत में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा सीरियस हैं. साइड इफेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ. तो इस हालत में इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि आपका लीवर जो है, आपका जिगर जो है वो काम करना जो है बंद कर सकता है. इसलिए एहतियात करें, कभी भी लंबे टाइम के लिए इसे यूज ना करें. उसके बाद दूसरा जो इसका मसला है वो अगर आप लंबे टाइम के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो दूसरा साइड इफेक्ट इसका ये आ जाता है कि आपकी शुगर जो है वो एकदम शूट कर सकती है. बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाएगी, आपसे फिर कंट्रोल में नहीं आएगी. इसलिए एहतियात करें और कभी भी लंबे टाइम के लिए इन टेबलेट्स को यूज ना करें. उसके बाद ऐसे लोग जिनका जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है या बहुत ज्यादा लो रहता है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और आपसे फिर काबू में नहीं आएगा. उसके बाद अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं तो फिर आपकी आंखों के सामने अंधेरा रह सकता है. हो सकता है कि आपको इतना नशा हो जाए कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा रहने लगे. उसके बाद आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप जो है चलते चलते कहीं भी आपको चक्कर आए और आप बेहोश हो जाए. तो ये चीज भी इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स में शामिल है. तो इसलिए आपने एहतियात करनी है. टैबलेट यूज जरूर करें लेकिन आदत ना बनाएं बड़ी बेईमानी. हो सकता है कि आपको पाकिस्तान में ये साइड इफेक्ट्स नजर ना आए, लेकिन जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मूला यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है. अगर कोई टीम हमारे से देख रहा हो तो वो फिर इसके बारे में कंफर्म भी करें कि वहाँ की मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा हैवी होती है. तो वहाँ पे ये साइड इफेक्ट्स लाजमी असर दिखाते हैं. इसलिए एहतियात करें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इन टैबलेट्स को बिल्कुल भी यूज ना करें. तो ये
बात कर लेते हैं इसकी प्राइस पर, इसकी कीमत पर, कि आज कीमत जो है क्या चल रही है। तो आजकल इसकी कीमत जो है एक दर्जी की चल रही है 158 रुपीज, यानी कि 16 रुपए की एक गोली जो है ये आपको पड़ेगी। ये जो है आप किसी भी फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से आसानी जो है परचेज कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये थी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और ब्राइट मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं जरूर आपको आंसर बैक करूंगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।